कुछ हिस्सा इनको मिलने वाला था। पत्नी ने अलग होने की कोशिश करने से चेहरा भाई साहब इसको जमीन में हिस्सा मिला था या जमीन के बेच से मिलने वाला पैसा बाल छाड़ को उसका किसी नहीं दुनिया से संदर्भ में प्रोफेशनल क्राइम है, कोर क्राइम है पुलिस के लिए, जिसका खोला जाना बहुत के आधार पर हत्याएं नहीं करा सकते तो अर्थव्यवस्था से जो है हमारे यहाँ और ये वो कोर क्राइम है जिसमें शूटर्स पकड़े गए हैं, इनके साथ के जो असलहे हैं हाँ कार्रवाई होगी जिसके और सब अपराधों में जो मिलजुल के उन्होंने किया उसको देखते हुए संगठित अपराध की श्रेणी में आता है तो उसके दूसरे की कार्रवाई होगी। ये गंभीर अपराधी है तो इसलिए टीम को इसमें विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया और विशेष रूप से जो लेके और बहुत एफर्ट लेकर काम किया है उनको उनकी देखिए 23 अक्टूबर को रात में पापा मऊ में टाटा मोटर्स के पास संजय पाल नाम के कार्यकर कर्मी की हत्या हुई थी। उसी हत्या के प्रकरण में बोरी तिराहे के पास से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। ये घटना पत्नी के अपने संबंध की वजह से पत्नी द्वारा भाड़े पर शूटरों को लेकर कराई गई। उन शूटरों में जो मुख्य शूटर आशुतोष उर्फ आशु है और जिसका आपराधिक इतिहास है, जो यहाँ एक और सनसनीखेज हत्या में पुराने मुकदमे में जेल गया है, उसके और उसके साथी द्वारा धीरज मौर्य नाम के एक व्यक्ति के साथ मिलकर की गई। धीरज मौर्य वो व्यक्ति है जिसके साथ पत्नी द्वारा अपना संबंध होना बताया गया। तो धीरज मौर्य, आशुतोष उर्फ आंसू और करण गौतम और सत्येंद्र शुक्ला, इन सब लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से अलग अलग 2 तमंचे और एक पिस्टल और इनकी बाइक और इनकी स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी, जिसके माध्यम से संपूर्ण योजना को अंजाम दिया गया, अपराध को अंजाम दिया गया, वो सब बरामद किया गया है और समस्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। सर वजह क्या है? वजह मूल रूप से जो वजह थी वो ये थी कि पत्नी बताती हैं कि वो अपने पति से पीड़ित हो गई थी और उनके किसी व्यक्ति से संबंध, धीरज मौर्य से संबंध हो गए थे। अब वो अपने पति से मुक्ति चाहती थी, इस कारण ये घटना उसको प्लान किया गया और घटना को अंजाम दिया गया। सर हत्या आरोपियों के आपराधिक इतिहास होते हैं, उन पर क्या गैंगस्टर या कार्रवाई होगी प्रिवेंशन? जैसा कि आप जानते हैं, शासन की प्राथमिकता है कि इस तरह के कोई भी अपराधी जल्दी जेल से बाहर ना आए, इनके हम प्रोसिक्यूशन, इनका अभियोजन हम बहुत सटीक तरीके से और सशक्त तरीके से कराएं। इसी क्रम में संगठित अपराध करने वाले इन अपराधियों को निश्चित तौर पर गैंगस्टर के अपराध में पाबंद किया जाएगा। बेल कैंसिलेशन? हाँ, निश्चित तौर पर जिन पुराने मुकदमों में ये बेल पर आए हैं, बेल की शर्तों का यदि इन्होंने उल्लंघन किया है तो उस उल्लंघन के क्रम में इनके खिलाफ बेल कैंसिलेशन की कार्रवाई भी की जाएगी।